एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसका एजेंडा क्या है, इसमें हम लोग इसका का पेपर पढ़ रहे होंगे, इसका जो कि अब 2020 से अबॉर्ट हो जाएगा और सिर्फ ओल्ड सिलेबस में बचा है। तो ये वैसे भी बहुत ही नैरो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को टारगेट करने के लिए बना है, बट इसका के लिए मैंने पर्सनली भी बहुत प्रॉब्लम फेस की है। कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, पेन ड्राइव्स भी ओल्ड हैं सारी की सारी, एंड सब ने रटवाने वाला ही कंसेप्ट उठाया है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसलिए इसका का पूरा पेपर यहाँ पे कराया जाएगा थ्रू, किसी बुक की ही नीड नहीं है आपको, थ्रू ICI मॉड्यूल। ICI के जो मॉड्यूल है उसी से कराया जाएगा, ताकि अगर क्वेश्चन भी आए तो हम लोग सॉल्व कर पाएँ। ICI मॉड्यूल के थ्रू सारे के सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे हम लोग। एक एक लाइंस पढ़ रहे होंगे ICI मॉड्यूल की, एंड उसके बाद हम लोग PM भी करेंगे और रिविजनरी वीडियो भी बनाएंगे, रिविजनरी वीडियोस भी बनाएंगे जो सबके लिए होगी। इट मीन्स आपको फुल इसका की प्रिपरेशन करा दी जाएगी, फुल इसका की प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ पर, विथ रिविज़न एंड PM। इसमें कोई इशू नहीं आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपको फुल लेक्चर्स 15 जुलाई तक तो मिल ही चुके होंगे, 15 जुलाई तक फुल लेक्चर्स आपको मिल चुके होंगे। एंड बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, बुक्स के लिए कोई अलग नीड नहीं है आपको PDF या बुक प्रिंट की, ICI का मॉड्यूल ही होगा, सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में किए जाएंगे। एंड आज जो है हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, वेटेज है इसका 12 मार्क्स तक का। इस बार के नवंबर के पेपर में भी बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन आए थे, 12 मार्क्स तक का इसका वेटेज है, और यह फिनिश किया जाएगा फुल इसका। हम लोग कोशिश करेंगे 40 आवर्स में कम्प्लीट हो जाए विथ रिविज़न एंड PM। ओके सो नाउ वी आर गेटिंग हेयर। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम लोग देख रहे हैं, यही पूरा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 8। इमर्जिंग का मीन ही होता है कि उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। उभरती हुई मतलब जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना होता है, इनके बारे में हमको जानकारी चाहिए होती है। यही टोटल हमें समझना है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। आप लोग को अगर इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ों की जिनके बारे में पहले से जानते होंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बट हमें किसी और वे में उसको पढ़ना है जिस टेक्निकल वे में हम नहीं जानते होंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा ग्रिड कंप्यूटिंग का। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है ये समझते हैं हम। आइए देखिए, ग्रिड कंप्यूटिंग, सर ये ग्रिड कंप्यूटिंग होती क्या है? देखिए, ग्रिड कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग से पहले तो इसका वर्ड कंप्यूटिंग भी आप समझ रहे होंगे, कंप्यूटेशन करने के लिए पावर समझ लीजिए, कैपेसिटी समझ लीजिए। होता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एज लाइक समझिए TCS ही है या टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा ही है, ये सब, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इन सभी के पास बहुत से सिस्टम्स हैं, लाखों करोड़ों सिस्टम्स होते हैं इन लोगों के पास, ठीक है। और हर एक ऑफिस में 10,000, 20,000, 30,000 सिस्टम्स होते हैं इन लोगों के, लगभग अराउंड ऑल ओवर इंडिया 1,00,000 कंप्यूटर्स होंगे इनके पास। बट कोई बहुत बड़ा कंप्यूटेशन करना होता है, जैसे लाइक आर्किटेक्चरल अगर कोई हमें कंप्यूटेशन करनी है, एनालिसिस करनी है, आर्किटेक्चरल एनालिसिस करनी है हमें, एज लाइक हमें कोई आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन है उस पर हमें शेक टेस्ट करना है, जो कि टेस्ट होता है फॉर द पर्पस ऑफ अर्थक्वेक के लिए, कि वो शेक बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं, वो कंपनी आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन सही है या नहीं, और या फिर अर्थक्वेक प्रोटेक्टेड है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर, वर्ड ध्यान रखिएगा, कंप्यूटिंग पावर की नीड पड़ती है। अब कंप्यूटिंग पावर की नीड पड़ती है तो सुपर कंप्यूटर लेना पड़ सकता है हमें, और ये सुपर कंप्यूटर बहुत कॉस्टली होते हैं, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, इन सबों की कॉस्ट लगभग, सुपर कंप्यूटर कॉस्ट 50-60 करोड़ की होती है। और ये ऐसा टास्क है ना, जैसे अर्थक्वेक टेस्ट करना है, शेक टेबल टेस्ट करना है, ये सब आर्किटेक्चरल जो कंस्ट्रक्शन है, ये
शेक टेस्ट या अर्थक्वेक टेस्ट, इसकी कंप्यूटेशन के सुपर कंप्यूटर की नीड पड़ जाती है। बट सुपर कंप्यूटर बहुत कॉस्टली भी होते हैं, तो एक नया कंसेप्ट चल गया कि जो सिस्टम अनयूज्ड हैं, आइडल पड़े हुए हमारे पास, इस सबों की प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है ना, इन सब में थोड़ी थोड़ी प्रोसेसिंग कैपेसिटी होगी। मान लीजिए हमें जो कंप्यूटेशन करना है, जनरल भाषा में सर, वो 16 GB का हमको उसमें रैम चाहिए, एग्जांपल ले रहे हैं, रैम का कुछ सेंस नहीं होता है, और इन सबों में दो चार 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 दो, ये 16 GB हो गया यहाँ पे मेरा, अगर ये भी दो है तो ये देखिए 16 GB हो गया। इन सभी का अगर रैम की कंप्यूटिंग पावर अगर हम एक जगह इकट्ठा कर पाएँ, एकत्रित कर पाएँ, कलेक्ट कर पाएँ, तो 16 GB रैम की पावर हमें मिल जाएगी और हमें सुपर कंप्यूटर खरीदना भी नहीं पड़ेगा। पावर हमें 16 GB रैम की मिल जाएगी, सुपर कंप्यूटर खरीदना नहीं पड़ेगा, और हमें जो 50 करोड़ के सुपर कंप्यूटर की कॉस्ट की थी, इससे बचत भी हो जाएगी। तो एक अच्छा टास्क था, ये बन तो गया। अब इसकी फिजिबिलिटी क्या हो सकती है, ये फिजिबिलिटी लाई गई, ये हो पाया, और अलग अलग सिस्टम्स की कंप्यूटिंग पावर को एक जगह लाने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, जो यहाँ से यहाँ तक इसकी पावर को ला के एक जगह कंप्यूटिंग पावर बढ़ा देता है। ये सॉफ्टवेयर जो है ये मिडलवेयर कहलाए, और ये जो कंप्लीट आर्किटेक्चर है ना, ये ग्रिड कंप्यूटिंग कहलाया, ये ग्रिड्स कहलाए, ग्रिड नोड, अलग अलग इंडिविजुअल सिस्टम ग्रिड नोड कहलाए, और मेन जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था ना, उसको कंट्रोल सर्वर कह दिया गया, ये कंट्रोल सर्वर कह दिया गया। इट मीन्स इन सभी की एनर्जी को, जितने भी ग्रिड नोड, इन सभी की एनर्जी को, ताकत को अपनी तरफ खींच के खुद एक ताकत बन गए, और यही कहलाया कंट्रोल सर्वर, ग्रिड कंप्यूटिंग। टोटल आर्किटेक्चर ग्रिड कंप्यूटिंग का यही है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग के सर फायदे क्या हुए, ग्रिड कंप्यूटिंग के फायदे सोचो, जो 50 करोड़ का हमको खरीदना पड़ता एक सुपर कंप्यूटर, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इससे बच गए। दूसरी बात, जितने भी आइडल सिस्टम्स हमारे पास पड़े हुए थे, हम इन्हीं आइडल सिस्टम्स की, जितने भी आइडल सिस्टम पड़े थे, इन्हीं आइडल सिस्टम्स की कंप्यूटिंग पावर का यूज़ किए, हम इन्हीं आइडल सिस्टम की कंप्यूटिंग पावर का यूज़ किए, मतलब हम इसका ऑप्टिमम यूज़ कर लिए ना, जो आइडल पड़े थे उसको भी हम यूटिलाइज़ कर पाए, हम इन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। थर्ड चीज, इन सिस्टम्स को ख़रीदने के लिए भी हमने जो पैसे खर्चे किए होंगे, मान लीजिए 20 CR जो मैंने खर्चे किए होंगे, उस 20 CR में हमको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल गया, मतलब मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन IT इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी तो इंक्रीज़ किया। तो ग्रिड कंप्यूटिंग के बहुत ज़्यादा फायदे हुए। अब ग्रिड कंप्यूटिंग इन ब्रीफ आप समझ चुके हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप यूट्यूब से स्पीड कम कर लीजिए, स्पीड कम लगे तो यूट्यूब से तेज कर लीजिए। वैसे आई डोंट थिंक कि किसी को स्पीड स्लो लग सकती है, स्पीड फास्ट बहुतों को लग सकती है, आप लोग स्पीड स्लो कर लीजिए। अब हम अपनी स्टडी मैट से पढ़ेंगे एक एक वर्ड कम। नाउ वी आर ऑन आवर स्टडी मॉड्यूल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग मैंने आपको समझाया, ग्रिड कंप्यूटिंग कुछ ऐसा ही है, इवन मैं डायग्राम से भी आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। कंट्रोल सर्वर यही है, ये आइडल पड़े हुए सिस्टम्स थे जिसको ग्रिड नोट कहा गया, देखिए ग्रिड नोट लिखा है, और ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू ये ग्रिड कंप्यूटिंग ऑपरेट कर रहा है, इनकी पावर कलेक्ट करके इस सर्वर तक पहुंचा रहा है जिससे टास्क परफॉर्म हो जाए, ये ग्रिड नोट कहलाते हैं, और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं मिडलवेयर कहला रहे होते हैं। ओके ओके, एक और चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें ये भी होता है कि इफ़ ये ग्रिड नोट काम नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं कि पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर ये ग्रिड नोट काम करना बंद कर दे तो इससे कनेक्टेड अदर ग्रिड नोट भी हो सकता है काम करना बंद कर दें, बट फिर इस कंप्लीट सिस्टम पे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। इट मीन्स फिर से हम समझें, ऐसा हो सकता है कि एक ग्रिड नोट के डिसकॉन्टिन्यू या डिसकनेक्ट होने पे सर्वर पे बिल्कुल फ़र्क ना पड़ रहा हो, या ये भी हो सकता है कि एक ग्रिड नोट के डिसकॉन्टिन्यू होने पे कोई और ग्रिड नोट भी डिसकॉन्टिन्यूड हो गया बिकॉज ये इससे कनेक्टेड है, फिर भी कंप्लीट सर्वर पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि अदर ग्रिड नोट्स फिर भी वर्क कर रहे होते हैं। ओके ओके, आइए देखते हैं। द कंप्यूटिंग
resources is the most of the organization are under utilized but the necessary for certain operation. देखिए under utilized होते हैं जो मैंने बताया था, idle पड़े रहते हैं, idle आए. The idea of the grid computing is to make use of such non-utilized computing power by the needy organization and thereby the return on investment on computing investment can be increased. जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ systems या devices idle पड़े होते हैं but किसी और organization को या same organization को ही किसी other task के लिए सेम ऑर्गेनाइजेशन को ही किसी अदर टास्क के लिए नीड होती है तो इनकी कंप्यूटिंग एनर्जी का वो यूज़ कर सकता है थ्रू द और इंक्रीज कर सकता है इन्हेंस कर सकता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन कंप्यूटिंग इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ठीक है. दस ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग और प्रोसेस मैकेनिज्म मैनेज्ड विथ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर सच एज मिडिलवेयर. ये जो सॉफ्टवेयर है इसी का नाम मिडिलवेयर हो जाता है. In order to access and use the resources remotely, order to use resources remotely. ये सर्वर कोलकाता में है और ये ग्रिड मेरा शायद पुणे में था तो ये रिमोटली यूज़ कर रहा है ना फ्रॉम द डिस्टेंस. फ्रॉम द डिस्टेंस दूर से यूज़ कर रहा है. ठीक है, ठीक है. The managing activities of grid resources through the middleware is called grid services. ये managing activity जो चल रही है, ध्यान रखिएगा ये word managing activity, managing activities जो चल रही है ना ये होती है grid services. ठीक है, grid services provide access control security access of data including digital libraries, digital libraries and database. क्या क्या प्रोवाइड करा रहा है, सिक्योरिटी भी दे रहा है, कंट्रोल भी दे रहा है, एसेस टू डाटा इंक्लूडिंग डिजिटल लाइब्रेरीज. मतलब यहाँ पे अगर कोई डाटा रखा है, यहाँ लगा है तो एज एन लाइब्रेरी की तरह यूज हम कर सकते हैं एंड डाटाबेस भी प्रोवाइड करा रहा होता है एंड एसेस टू लार्ज स्केल इंटरेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज फैसिलिटी. लॉन्ग टर्म स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है. ग्रिड कंप्यूटिंग इज मोर पॉपुलर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. रीजन्स के कारण पॉपुलर है, इसका मतलब वो रीजन्स एक ही हो सकते हैं जो होते हैं बेनिफिट्स. बेनिफिट्स के कारण ही पॉपुलर हैं, वो क्या हैं इसके, ये देखिए. इट हैज़ एबिलिटी टू मेक यूज़ ऑफ अनयूज्ड कंप्यूटिंग पावर एंड दस इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन. रिड्यूस करता है इन्वेस्टमेंट को, ओनली रेकरिंग कॉस्ट लगती है. मतलब फिक्स्ड खर्चा नहीं होता कि हमको सिस्टम खरीदना पड़ेगा, इसको रन कराने के लिए सॉफ्टवेयर का खर्चा या स्टाफ का जो खर्चा वो रेकरिंग खर्चा ही बस लगता है, फिक्स्ड खर्चा कुछ नहीं लगते हैं. दिस इनेबल हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर टू वर्क कॉम्परेटिव एंड कोलाबरेटिव टू रिजॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम. साइंटिफिक प्रॉब्लम से मैंने अर्थक्वेक वाली आपको बताई, हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज की तरह ये काम कर रहा होता है टू कंप्यूट साइंटिफिक प्रॉब्लम्स. ओके, ओके. देखिए अब नेक्स्ट है, ग्रिड कंप्यूटिंग इज रिक्वायर्ड टू यूज ऑफ सॉफ्टवेयर डेट इज डिवाइड एंड क्योर आउट पीसेज ऑफ प्रोग्राम एज वन लार्ज सिस्टम इमेज एज सेवरल थाउजेंड कंप्यूटर्स. सेवरल थाउजेंड कंप्यूटर्स जुड़े रखने के लिए एक लार्ज सिस्टम की नीड पड़ती ही पड़ती है. वही सॉफ्टवेयर की नीड की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और किसी चीज़ की नीड की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, वन कंसर्न अबाउट ग्रिड इज दैट इफ वन पीस ऑफ सॉफ्टवेयर और ऑन अ नोड फेल्स अदर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर और नोड मे फेल. ये मे वर्ड यूज है, ध्यान दीजिएगा. वही जो बताया अगर ये फेल हुआ तो शायद ये भी फेल हो जाए. दिस इज एलिवेटेड इफ दैट कंपोनेंट हैज अ फेल ओवर कंपोनेंट ऑन द अनदर नोड. मतलब ये कम किया जा सकता है, एलिवेटेड. एलिवेटेड मतलब ये कम किया जा सकता है अगर वो नोड एक फेलियर नोड से कनेक्टेड है तो उसको ऐसे कनेक्शन ना किया जाए, सबको सेपरेटली कनेक्टेड किया जाए, इस तरीके से ये कम किया जा सकता है. बट प्रॉब्लम कैन स्टिल अराइज इफ कंपोनेंट्स रिले ऑन अदर पीसेस. लेकिन प्रॉब्लम तभी आएगी अगर ये कंपोनेंट रिले कर रहा है. देखिए यहाँ पे रिले कर रहा है ना, ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसके ऊपर रिले कर रहा है. तो यही चीज़ इसने यहाँ पे लिखी है कि बट इट इज़ स्टिल अराइज इफ कंपोनेंट रिले ऑन अदर पीसेज ऑफ सॉफ्टवेयर टू द अकम्प्लिश वन और मोर ग्रेट कंप्यूटिंग टास्क लार्ज सिस्टम इमेज एंड एसोसिएट हार्डवेयर टू ऑपरेट एंड मेंटेन दैम कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू लार्ज कैपिटल एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. Large system image and associate hardware to operate the and maintain them can contribute large capital and operating expenses. Operating expenses लगेंगे अपने, अगर grid computing एक लाख systems पे लगा रहे हैं तो एक लाख system के according उसका expense आएगा. कम पे लगा रहे हैं तो कम के according उसका expense आएगा. इतना ही है मेरा. Okay, okay. Now we are going to talk about clouds.
क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा वेटेज क्लाउड कंप्यूटिंग का ही है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको क्लाउड को अगर समझना है तो आप क्लाउड में क्या समझेंगे? देखिए पहली बात, क्लाउड बादल कुछ ऐसा ही है, ये भी बादल के ही सेंस में आता है, ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग को समझा रहा हूँ मैं, समझिए। पहली बात, क्लाउड जो होता है ना वर्चुअल चीज़ है, ये कभी दिखती नहीं है क्लाउड। आप ये लेक्चर जो यूट्यूब पे देख रहे हैं अभी, ये यूट्यूब पे भी कहाँ पे लेक्चर है, ये कहाँ अपलोड हुआ मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ये क्लाउड है, यूट्यूब का अपना क्लाउड है। क्लाउड क्लाउड कहाँ होता है? हवा में होता है। देखो क्लाउड इट मीन्स डाटा सेंटर्स, एज लाइक डाटा सेंटर होते हैं क्लाउड्स में, स्टोरेज होते हैं, बहुत बड़े बड़े इनके सर्वर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, मेन फ्रेम सिस्टम्स जिनको कहते हैं, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं। आपने बहुत मूवीज़ में या फिर आप यूट्यूब पे मेन फ्रेम सिस्टम में उठा के देखेंगे तो बहुत मूवीज़ में या फिर डाटा सेंटर्स कई पिक्चरों में दिखाए गए हैं, डाटा सेंटर्स होते हैं बड़े बड़े, वही उन्हें कहते हैं ये क्लाउड्स। और ये क्लाउड क्या करते हैं, आपको वर्चुअली असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कनेक्टिविटी या फिर प्रोसेसिंग्स की, कंप्यूटिंग की। इसीलिए क्लाउड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लाइक इस समय जो हम लोग यूट्यूब लेक्चर देख रहे हैं वो भी क्लाउड में, हमारा जीमेल क्लाउड पे, हमारा फोटोज़ भी हम क्लाउड में सेव करते हैं, कॉन्टैक्ट्स को भी क्लाउड पे आज की डेट में हम सेव रखते हैं। हम अपने ऑफिस के सॉफ्टवेयर में स्टोर की हुई फाइल्स को हम देख लेते हैं अपने घर पे आके अपने स्मार्टफोन में, वो भी क्लाउड में। ऑफिस में लगा हुआ कैमरा का ऑनलाइन बेसिस पे हम रिकॉर्डिंग देख रहे थे अपने मोबाइल में, तो ये भी क्लाउड के ही थ्रू पॉसिबल हो पाया है। और या फिर मैं अगर ऐसे कहना चाहूँ ना कि जितनी भी चीज़ें हैं जो एज लाइक विदाउट आपको वायरलेस प्रोवाइड कर रही हैं, वायरलेस जो चीज़ें प्रोवाइड आपको कर लिए ना वायरलेस होके, वो सब क्लाउड के कारण ही कैपेबल हो पाया है, ऑल कैपेबल ड्यू टू क्लाउड्स। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट है, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमको पढ़नी है उसमें हमको पढ़ना है व्हाट क्लाउड क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया क्लाउड क्या है, वर्चुअल है, कॉम्बिनेशन होता है क्लाउड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, डिटेल में अभी बुक से करेंगे। टाइप्स क्लाउड के पढ़ने हैं, किन टाइप्स के क्लाउड होते हैं, उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, मॉडल्स क्या हैं क्लाउड के, ये ग्रिड जो अभी हम पढ़ा चुके हैं, ग्रिड्स और क्लाउड में डिफरेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं क्लाउड के, करेक्टरिस्टिक क्या है क्लाउड की, चैलेंजेस क्या हैं क्लाउड के, और पर्टिनेंट इश्यूज क्या हैं क्लाउड के, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। फिर स्टार्ट करते हैं क्लाउड बुक से। क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपली मीन्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एज अ सर्विस थ्रू नेटवर्क, टिपिकली द इंटरनेट। सही बात है, हम कुछ भी क्लाउड पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो भी हम इंटरनेट के थ्रू ही देख पा रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का एसेस ही इंटरनेट के थ्रू होता है। द इंटरनेट इज कॉमनली विजुलाइज एज क्लाउड, हैंस द टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर कंप्यूटेशन डन थ्रू द इंटरनेट। With cloud computing, user can access database resources via the internet from anywhere for as long as they need. कहीं से भी, आप में से कुछ लोग कर्नाटक में बैठे होंगे या फिर कुछ MP में बैठे होंगे, कुछ UP में बैठे होंगे, कुछ कश्मीर में बैठे होंगे, सब लोग कहीं से भी anywhere access कर पा रहे हो, ये cloud computing. Without worrying about any maintenance and management of actual resources. आपको इस वीडियो में maintenance कैसी होगी, ये वीडियो हमेशा available हो पाएगा कि नहीं, या फिर जो आप एसेस कर पा रहे हो मेंटेन रहे, इसकी आपको चिंता करने की नहीं हो रही है, वो गूगल वो यूट्यूब खुद कर रहा है, एसेस देना, उसकी मेंटेनेंस करना, उसका मैनेजमेंट करना, एक्चुअल रिसोर्सेज का, वो सब यूट्यूब खुद कर रहा है। या फिर अगर आप कोई डाटा यूट्यूब पे सेव कर रहे होते हो, यूट्यूब पे कह रहा हूँ मैं, या किसी भी गूगल क्लाउड पे, किसी भी जगह वर्चुअल डाटा अपना सेव कर रहे हो, तो आपको टेंशन नहीं होती। स्टोरेज अगर आप परचेज़ कर लेते हैं वर्चुअली, जैसे गो डैडी के बहुत बड़े बड़े डाटा हब्स होते हैं, क्लाउड्स में स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती हैं, तो एक सेलर है, एक जो सेलर है वो सेलर जब अमेज़ॉन पे अपना प्रोडक्ट पब्लिश कर रहा होता है, तो अब उसकी एडवर्टीजमेंट की उसको चिंता नहीं होती, वो अमेज़ॉन मेंटेन करता है कि उसकी ऐड हमेशा विजिबल हो एंड ऑल दैट चीज़ें, वो उसने बस अपनी एक बार पेड कर दी प्रमोशन के लिए दे दिया, यही होता है, वही यही चीज़ इसने यहाँ पे लिख दी है कि वरी नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे ये कहाँ गया, विदाउट वरिंग अबाउट द मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज। बिसाइड दिस डाटाबेस इस क्लाउड में भी हाईली डायनेमिक एंड स्केलेबल, हाईली डायनेमिक एंड स्केलेबल होता है सर, स्केलेबल और डायनेमिक, हाँ
डायनेमिक मीन्स लचीलापन टाइप समझ लो, बहुत लचीला होता है, स्केलेबल, जब चाहे बढ़ा घटा सकते हैं। आज की डेट में हमें अगर क्लाउड्स पे हैं, क्लाउड पे आप एग्जांपल लीजिए, मैंने डाटा स्टोर करके रखा है 15 GB, फिलहाल तो सबको जीमेल पे फ्री में ही मिल रहा होता है, लेकिन अगर आपको 40 GB की नीड है तो आप जब चाहे तब बढ़ा सकते हैं, 40 GB पे कर देंगे एक्स्ट्रा। आपने 400 GB ले रखा था, अब आपको लगता है उतनी जरूरत नहीं, 20 GB मिलाना है, तो आप अपना पेमेंट विदड्रॉ कर सकते हैं, या अपनी सर्विसेज के लिए फर्दर पेमेंट नहीं करेंगे तो अपने आप आपको 20 GB अलाउट होगा, 20 GB के लिए पेमेंट कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से हाईली डायनेमिक एंड स्केलेबल है, इन फैक्ट इट इज़ अ वेरी डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग। हाँ, कंप्यूटिंग के लिए इंडिपेंडेंट होता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग गूगल एप्स, वेयर एनी एप्लीकेशन कैन बी एसेस यूजिंग अ ब्राउजर एंड इट कैन बी डिप्लॉयड थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट। यूट्यूब का यही एक ऐप आप गूगल ऐप्स के थ्रू ब्राउज कर रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग का बेस्ट एग्जांपल है। जब मन करता है देखते हो, जब मन करता है इंस्टॉल अपडेट कर लेते हो, स्टोरेज कम पड़ रही है, अधिक पड़ रही है, और इसकी मेंटेनेंस के लिए आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं होती है। और ये जितने भी आपके घर में स्मार्टफोन्स हैं, अब सब में बस क्या करना है, इंस्टॉल ही तो करना है, एक एक के लिए आपको पेमेंट थोड़ी करनी पड़ रही होती। यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। देखिए यहाँ पे आते हैं फिर, क्लाउड कंप्यूटिंग इज बोथ combination of software and hardware based on the computing resources delivered as a network service. देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, कुछ key points को अभी से highlight करना है, start कर दीजिए, जिससे आगे आपको further कोई दिक्कत ना आए। Key points अभी से highlight कर लिए, जैसे इसमें पूरा है, cloud computing is combination of software and hardware based computing. तो यहाँ पे ना combination of software and hardware, इसको आप highlight कर लीजिए, key points उठा लीजिए तुरंत अभी पढ़ते पढ़ते। This model of IT enable services enable anytime access, यहाँ पे आप इसको underline कीजिए, with a shared pool को access underline कीजिए, application and resources. These application and resources can be accessed using a simple front end interface such as web browser front end interface, इन दोनों को underline करिए, and as a result enabling user to access and resources from the client device including notebook, desktop and mobile device. आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं तो अब आप क्लाइंट डिवाइस पे देख रहे हैं, क्लाइंट डिवाइस मतलब आपका खुद का स्मार्टफोन। इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया है कि क्लाउड क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, इसके ये इसमें आप शेयर्ड पूल ऑफ एप्लीकेशन एंड रिसोर्सेज होते हैं, कई एप्लीकेशन और रिसोर्सेज पूल्ड होकर काम कर रहे होते हैं, और फ्रंट एंड वेब ब्राउजर के थ्रू एज लाइक आपका गूगल ऐप्स में यूट्यूब ऐप के थ्रू आप अपनी क्लाइंट डिवाइस पे, अपनी मोबाइल डिवाइस पे आप एसेस पा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइस इज फैसिलिटी टू एसेस शेयर्ड रिसोर्सेज एंड कॉमन इंटरफेस। ये शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, जो मैं लेक्चर है ये शेयर्ड लेक्चर है ना, तो आप इसका एसेस कर पा रहे हैं, फैसिलिटी आपको मिली क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ही कि आप इसका एसेस कर पाएँ, इसकी तो फैसिलिटी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू मिल रही है। ऑफरिंग सर्विसेज ऑन डिमांड ओवर द नेटवर्क टू परफॉर्म ऑपरेशन दैट मीट चेंजिंग बिजनेस नीड्स, ठीक है। द लोकेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज एंड डिवाइस बींग एसेस्ड आर टिपिकली एट not known to end user. It is also provide facility to user to develop, deploy and manage application on the cloud which entails virtualization of resources and maintain and manage itself. इसने ये बता दिया, words को उठाइए कि changing business की needs को fulfill करता है। इसे business की need वही थी, मेरा business online है, 40 GB data storage लेते थे लेकिन मेरा data बढ़ गया, मुझे 100 GB चाहिए तुरंत, मुझे अवेलेबल हो जाएगा, और वर्चुअल बेसिस पे होता है सब कुछ, मेंटेनेंस मैनेज इट सेल्फ ये खुद को कर लेता है, मुझे नहीं करना पड़ता है, फैसिलिटी करती है यूज़र को डेवलप डिप्लॉय मैनेज करने की ऑन द क्लाउड, सब कुछ क्लाउड पर कर दिए तो क्लाउड की टेंशन है, क्लाउड प्रोवाइडर जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एज एट गोडैडी या अमेजॉन क्लाउड्स, ये जो फैसिलिटीज हैं इनकी है, इनको पेमेंट कर दिया जाएगा क्लाउड पे, रेंटल समझ लो एज लाइक आप फ्लैट भाड़े पे ले रहे हो, उसी तरीके से आप स्टोरेज भाड़े पे ले रहो, उसका रेंटल पेमेंट कर लोगे, सिक्योरिटी एसेस सब कुछ उनकी जिम्मेदारी है, ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पर प्रोवाइड करना उनकी जिम्मेदारी होती है। विद क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज कैन स्केल अप मैसिव कैपेसिटीज इन द इंस्टेंट विदाउट हैविंग टू इन्वेस्ट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, 40 GB चाहिए थी, अब 400 GB पे जाना है तो हमको हार्ड डिस्क खरीदने की नीड नहीं है, बस रेंटल देंगे और कोई हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पे या कंप्यूटर डिवाइस परचेज करने की नीड नहीं पड़ेगी। यही लिखा है इसने, ट्रेन न्यू पर्सनल एंड लाइसेंस ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर। ये ना हमको नए पर्सनल को ट्रेन करना पड़ता है और ना कोई नया लाइसेंस लेना पड़ता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑफ पर्टिकुलर बेनिफिट टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस हु विशेस टू कम्प्लीटली आउटसोर्स देयर डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्ज कंपनीज हु विश टू गेट पीक लोड विदाउट इनकरिंग हायर कॉस्ट टू बिल्डिंग लार्जर डाटा सेंटर इंटरनली।
देखो, छोटे क्लाउड कंप्यूटिंग सबके लिए फायदेमंद होता है, छोटे या मीडियम साइज के बिजनेस के लिए, इस तरीके से कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा नहीं करना पड़ता है। और बिग साइज या लार्ज साइज में, जहाँ पीक लोड मतलब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लास्ट डेट पे इतने ज़्यादा हैमर्स हो जाते हैं, मीन बहुत ज़्यादा लोग विजिटर्स होते हैं, अमेजोन की सेल आई, ग्रेट इंडिया सेल, तो उस पर बहुत ज़्यादा उस दिन लोड होगा, पीक लोड। तो पीक लोड पे मैनेज करने के लिए लार्ज इंटरप्राइजेस को अलग से सेटअप नहीं करना पड़ेगा। अगर वो उसने गूगल पे या क्लाउड बेसिस पे अगर दे दिया उन्होंने, तो क्लाउड वाले पीक लोड भी संभालेंगे। अगर इंटरनली उन्होंने किया, तो उनको अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा पीक लोड के लिए। उनकी कैपेबिलिटी, अगर उनका रूटीन वर्क 2000 क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए है और पीक लोड में 40,000 क्लाइंट हो जाते हैं, तो पीक लोड को मैनेज करने के लिए इंटरली उनको 2000 की जगह 40,000 की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करनी पड़ेगी। बट अगर वो क्लाउड पे देते हैं, तो पीक लोड भी क्लाउड ही प्रोवाइडर ही मैनेज करता है। इन बोथ द इंस्टेंस सर्विसेज, कंज्यूमर्स यूज़ व्हाट दे नीड टू द इंटरनेट एंड पे ओनली व्हाट दे यूज़। इस केस में क्या होता है, तुमको इंटरनेट पे क्या चाहिए, तुम उतने के लिए पे करोगे। व्हाट दे नीड ऑन द इंटरनेट, पे ओनली फॉर व्हाट दे यूज़। ओके ओके, ये देखिए, ये टैबलेट, नोटबुक, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, किसी से भी आपको एक्सेस मिल सकता है ना क्लाउड का। और क्लाउड पे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रेनिंग है, कैलेंडर है, डाटाबेस है, प्रेजेंटेशन है, स्टोरेज है, कोलेब्रेशन है, फाइनेंस। फाइनेंस सर कैसे, अरे इतने सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, वहाँ बिलिंग हुई, आपको मैसेज आ रहे हैं, वो सब क्लाउड पे होते हैं। सैप जो होता है अपना, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर ही है, तो वही इसीलिए फाइनेंस उन्होंने लिखा। फाइनेंस NSE BSE के सारे ट्रांजेक्शन फाइनेंस, कॉन्टैक्ट, आपके ई मेल्स, स्प्रेडशीट, ये एक्सेल स्प्रेडशीट जो होती हैं, ये सब क्लाउड्स पे अवेलेबल होती हैं। और ये जो डिवाइसेज हैं, स्मार्टफोन, नोटबुक, टैबलेट, ये सारी जो डिवाइसेज हैं आपकी ना, वर्चुअल डिवाइसेस, क्लाइंट डिवाइसेस जिसको हम कहते हैं, ये क्लाइंट डिवाइसेज में ये क्लाउड हो गया, ठीक है। द डिवाइस कंज्यूमर मे नो लॉन्गर टू बी रिक्वायर्ड टू पे फॉर अ PC यूज एन एप्लीकेशन फ्रॉम द PC और परचेज ए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर वर्जन दैट्स कन्फिगर द स्मार्टफोन PDAs एंड अदर डिवाइसेस। आपको, आपने जब ये टैबलेट या अपने स्मार्टफोन लिया, तो क्या अलग से कोई सॉफ्टवेयर तो लेना पड़ा था क्या कि आप क्लाउड की फैसिलिटी ले पाएँ, या बस जस्ट ऐप्स इंस्टॉल करते हो, क्लाउड की फैसिलिटी आप ले सकते हैं? आई थिंक सो, जस्ट आपने ऐप इंस्टॉल किया, यूट्यूब इंस्टॉल्ड आजकल तो मिल रहा है, इंस्टॉल्ड ऐप था, आपको इसके लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं लेना पड़ा, यही ये कह रहा है। द कंज्यूमर मे नॉट ओन द इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म इन द क्लाउड बेस्ड स्कीम, लीडिंग टू लोअर अपफ्रंट्स, कैपिटल एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब क्लाउड बेस अगर कर रहे हो, तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने की नीड नहीं पड़ती। एंड यूजर मे नॉट नीड टू केयर अबाउट द सर्वर एंड नेटवर्क एंड मेंटेन्ड इन द क्लाउड एंड कैन एसेस मल्टीपल सर्वर एनी वेयर ऑन द ग्लोबल विदाउट नोइंग विच वन वेयर दे आर लोकेटेड। देखिए, यहीं यही बोल दिया ना इन्होंने, एनी वेयर से आप कर रहे हो ग्लोबल विदाउट नोइंग विच वन। बहुत से सर्वर्स होते हैं, अमेजोन या गोडैडी के बहुत से सर्वर होंगे, आपको खुद को नहीं पता होगा आप कौन से सर्वर को यूज़ कर रहे हो, वो सर्वर किस लोकेशन पे, आपको नहीं पता होगा, बस आप उसको यूज़ कर रहे होंगे। ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंसेस इन ग्रिड एंड क्लाउड। तो आप लोगों को क्लाउड समझ में आ चुका, ग्रिड मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंट जितने भी सिस्टम्स होते जो आइडल पड़े होते, उनकी कंप्यूटिंग पावर को मिडलवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू एक जगह ला के लार्ज या कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करना और इसकी कंप्यूटिंग पावर को बढ़ाना ही ग्रिड कहलाता है, ठीक है। लेकिन ग्रिड और क्लाउड, आप लोग जो भी क्लाउड यूज़ करो वो फ्री क्लाउड है, बट अगर आप अपना बिजनेस करोगे और अपनी कोई वेबसाइट बनाओगे और उस वेबसाइट के लिए स्पेस लोगे अमेजोन क्लाउड से या गोडैडी क्लाउड से, किसी से भी अगर आप लोगे, तो आपको पता है ये लोग क्या देते हैं, एक SLA देते हैं। इसका मतलब होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इसमें लिखा होता है ना कि आपको हमेशा अप टाइम एसेस मिलेगा, जब चाहिए अप टाइम, जब चाहिए तब आपको एसेस मिलेगा, आपकी सर्विस में 99% की आपको सर्विस अवेलेबिलिटी मिलेगी, जब चाहिए तब मिलेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि आप सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आज कर रहे हैं, एज लाइक मान लीजिए आप मेरी वेबसाइट है जिसमें मैं पेन ड्राइव बेच रहा हूँ, उस पर अगर आप आके पेन ड्राइव का प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप आज की
आपने आज ऑर्डर किया और कल आपके लिए ऑर्डर सक्सेसफुल दिखाएगा या ऑर्डर का नेक्स्ट पेज खुलेगा। 99% टाइम जब चाहिए तब का तभी आपको मिलेगा, ये बताने की ये चीज़ें बताते हैं। ग्रेड हो गया तो मतलब सर्विस लेवल। SLA एग्रीमेंट में क्या होता है, SLA में जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है क्लाउड का या ग्रिड का, ग्रिड में जो मिडिल वेयर था ग्रिड वाला या क्लाउड वाला, जो क्लाउड, ये एक एग्रीमेंट ही होता है जिसमें बताता है कि आपकी वो सर्विस ऑन टाइम मिलेगी, हमेशा अवेलेबल रहेगी, सिक्योरिटी मिलेगी। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, अगर आप ये ब्रीच हुआ ना तो ब्रीच अगर हो गया तो हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है, हैवी पेनल्टी, छोटी मोटी नहीं हैवी पेनल्टी। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, अगर हैवी पेनल्टी यहाँ तो हैवी पेनल्टी लगी रही है, प्लस आपकी डाटा की सिक्योरिटी भी इनके ऊपर आ जाती है कि अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो भी बहुत बड़ी पेनल्टी लगेगी। तो ये बहुत हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे होते हैं SLA, क्योंकि ये इसी फील्ड के मास्टर्स होते हैं। तो ये SLA बहुत बेनिफिट देता है कि आपको भी लगता है कि डाटा सिक्योर है, और इन सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है। सर्विस प्रोवाइडर की क्या क्रिएट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्प्रेडशीट पे अगर हम देख रहे होते हैं तो मैं आपको अभी आगे बोलूँ SLA। अब हम लोग क्लाउड और ग्रिड जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बुक से भी अभी करने जाएंगे। क्लाउड और ग्रिड इतना ही था, क्लाउड भी आप समझ गए और ग्रिड में भी आप समझ गए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स की कंप्यूटिंग एनर्जी एक जगह लाती है। SLA यूज होता है दोनों में, सॉफ्टवेयर जो है दोनों पेड सर्विसेज में, SLA का रोल भी आप जान गए। अब इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे दोनों स्केलेबल हैं, जब जिसको जितना बढ़ाना हो दोनों को बढ़ा लो, दोनों स्केलेबल होते हैं, दोनों अवेलेबल होते हैं, दोनों में SLA पाया जाता है, ये इसकी सिमिलैरिटीज हो गई। इसमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, जो डिफरेंसेस हमारे कोर्स में हैं इसके डिफरेंसेस भी होंगे। सर डिफरेंसेस में क्या होंगे, अब वो बुक से करते हैं हम लोग। आइए, क्लाउड वर्सेस ग्रिड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इवॉल्व्स फ्रॉम ग्रिड कंप्यूटिंग एंड प्रोवाइड ऑन डिमांड रिसोर्स प्रोविजनिंग। इवॉल्व मतलब समझ लीजिए उत्पन्न होना या फिर विकसित करना। क्लाउड कंप्यूटिंग विकसित हुई है ग्रिड कंप्यूटिंग से ही, ठीक है। इवॉल्व फ्रॉम ग्रिड कंप्यूटिंग एंड प्रोवाइड्स ऑन डिमांड रिसोर्स प्रोविजनिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग मे और मे नॉट बी इन क्लाउड पैराडाइज्म डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ यूजर आर यूजिंग इट। ग्रिड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है कौन उसका यूजर है। एज लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या इंटीग्रेटर्स यूज कर रहे हैं, दे केयर हाउ थिंग्स आर मेंटेन्ड इन द क्लाउड, ठीक है, तो वो दे अपग्रेड इंस्टॉल एंड वर्चुअलाइज सर्वर एंड एप्लीकेशंस। बट इफ द यूजर इज कंज्यूमर, दे डू नॉट केयर हाउ थिंग्स आर रन इन सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो तो सोचेगा ना कि थिंग्स कैसे सिस्टम में रन कर रही होती हैं, बट यूजर थोड़ी सोचेगा कि थिंग्स कैसे सिस्टम में रन कर रही होती हैं। एज लाइक इफ यू आर अ शेफ, तब आप सोचोगे कि डिश कैसे बनेगी, कैसे सर्व होगी, बट इफ़ यू आर अ कस्टमर तो बस आपको डिश खाने से मतलब होगा। तो वही इसने बताया है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग बोथ आर स्केलेबल। ये क्या, यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी, ये एक लाइन आप लोग यहाँ पे लिखिए, सिमिलैरिटीज़ हैं कुछ इसमें, सिमिलैरिटीज़, यहाँ पे लाइन मिसिंग है, मैं लाइन बोल दे रहा हूँ, ठीक से लिखिए। सम सिमिलैरिटीज आर एज फॉलोज, ठीक है। सिमिलैरिटीज़ क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग ग्रिड कंप्यूटिंग बोथ आर स्केलेबल, ये दोनों ही स्केलेबल होते हैं। स्केलेबिलिटी इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द लोड बैलेंसिंग ऑफ एप्लीकेशन इंस्टेंस रनिंग सेपरेटली ऑन अ वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कनेक्टेड थ्रू द वेब सर्विस। मतलब लोड बैलेंसिंग एप्लीकेशन का भी काम करता है, वैरायटी ऑफ डिवाइसेज अगर जुड़ी हुई है ना, PD भी है, स्मार्टफोन भी है, सब कुछ हैं, तो लोड बैलेंसिंग में लगे या वैरायटी ऑफ डिवाइसेज जुड़ने पर भी ये स्केलेबिलिटी का भी काम करता है और सेपरेटली सब पे रन कर रहा होता है। जैसे मोबाइल में खुलता है तो अलग इंटरफेस पे खुलता है और डेस्कटॉप वर्जन इसका अलग होता है, ये सब मतलब है इसका। CPU एंड नेटवर्क बैंडविड्थ इज एलोकेटेड एंड डीएलोकेटेड ऑन डिमांड, जब चाहिए तब मिलेगा, जब नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। CPU और नेटवर्क बैंडविड्थ जो है ऑन डिमांड पे एलोकेट होते हैं और डी एलोकेट होते हैं, ठीक है। द सिस्टम स्टोरेज कैपेसिटी गोज अप एंड डाउन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूजर इंस्टेंस एंड द अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर टू अ गिवन टाइम। स्केलेबिलिटी को ही उसने अलग अलग वर्ड में घुमा के लिखा, जो मैंने आपको स्केलेबिलिटी बताई सिर्फ और सिर्फ वही है, अलग अलग वर्ड्स में घुमा के रख लिखी गई है।
बोथ कंप्यूटिंग टाइप्स इन्वॉल्व्स मल्टी टेंडेंसी एंड मल्टी टास्किंग. ग्रिड कंप्यूटिंग हो या क्लाउड कंप्यूटिंग हो, दोनों में ही मल्टी टास्किंग ही होती है, मल्टी टेंडेंसी होती है, बहुत से टास्क एक साथ हो रहते हैं ना. ग्रिड में भी सबकी कंप्यूटिंग एनर्जी को ला के एक ही सिस्टम में सुपर कंप्यूटर बना के उसकी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, और क्लाउड कंप्यूटिंग आप लोग खुद ही यूज़ कर रहे हो, चार ऐप्स एक साथ रन करा लेते हो, तो मल्टी टास्किंग होती है. कंज्यूमर कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क एसेसिंग द सिंगल और मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टेंस. मल्टीपल ऐप्स आप लोग यूज़ कर रहे होते हो. शेयरिंग रिसोर्सेज एमंग द लार्ज पूल ऑफ यूजर्स असिस्टेंट यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड पीक लोड कैपेसिटी. पीक लोड कैपेसिटी वैसे भी रात में 8 से 10 के बीच में इंटरनेट स्लो हो जाता है. पीक लोड कैपेसिटी का आप एग्जांपल देख लो, तो पीक लोड कैपेसिटी अगर किसी बिजनेस वेबसाइट ले आ जाए तो वो स्लो तो नहीं बर्दाश्त कर सकता ना. तो ये दोनों पीक लोड कैपेसिटी को हैंडल करने प्रोवाइड करते हैं विदाउट इनकरिंग हैवी कॉस्ट ऑन कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. कंप्यूटर एंड ग्रिड क्लाउड एंड ग्रिड कंप्यूटिंग प्रोवाइड सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA एग्रीमेंट जो मैंने बताया फॉर गारंटी अप टाइम अवेलेबिलिटी एंड से 99% अप टाइम अवेलेबिलिटी चाहिए, जब चाहिए तभी मिलेगा 99% टाइम. If the service slides below to the level of guarantee uptime services, अगर वैसे नहीं मिली तो the consumer will get credit of receiving data not in stipulated time. Credit का मतलब यहाँ पे है compensation से है. Okay. Some pertinent differences are highlighted as follow. Differences क्या है इसमें, ये similarities की बात कर रहा था और ये differences की बात करेगा. While the storage computing is grid in will suited to the data intensive storage. ये देखिए पूरी लाइन ये बताने की कोशिश कर रहा है ना कि ग्रिड में डाटा जो है वो हैवी डाटा, इंस्टेंस डाटा, इन डेप्थ डाटा या लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा के लिए ही ग्रिड सही है. अब जबकि क्लाउड में आप चाहें तो क्या, क्लाउड में आप देखिए अपने एक एक कॉन्टैक्ट, एक एक मेल को आप सेव रख सकते हैं, या फिर आपको कोई एक GB की कोई एक पिक्चर भी केवल अगर क्लाउड पे सेव करें तो भी आप कर सकते हैं. एक बाइट से लेके एक GB तक के लिए क्लाउड इकोनॉमिकल है, बट ग्रिड कंप्यूटिंग में हैवी डाटा के लिए ही इकोनॉमिकल होता है. ग्रिड कंप्यूटिंग हैवी डाटा के लिए ही इकोनॉमिकल होता है स्टोरेज के लिए, एंड ग्रिड कंप्यूटिंग हैवी टास्क के लिए यूज़ होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है. जो मिडिल वेयर हमने बताया था उस मिडिल वेयर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है जो ग्रिड कंप्यूटिंग को इनेबल कर पाता है. हमने मिडिल वेयर बताया था ना कि सब सिस्टम को कंप्यूटिंग पावर एक जगह लाने के लिए जो सॉफ्टवेयर मिडिल वेयर लगते हैं इसकी भी तो कॉस्ट होती है. तो हैवी डाटा स्टोरेज के लिए यूज करना चाहिए या फिर हैवी मल्टीपल टास्क के लिए यूज़ करना चाहिए, जिसकी कंप्यूटिंग जिस किसी हैवी टास्क को कंप्यूट करना हो, टास्क परफॉर्म करना हो, उसके लिए यूज किया जाता है. आइए डिफरेंसेस पढ़ते हैं फ्रॉम द बुक. व्हाइल द स्टोरेज कंप्यूटिंग इन द ग्रिड वेल सूटेड फॉर डाटा इंटेंसिव स्टोरेज, इट इज इकोनॉमिकली सूटेड फॉर स्टोरिंग ऑब्जेक्ट एज स्मॉल 1 byte. इन डाटा ग्रिड द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा मस्ट बी लार्ज फॉर मैक्सिमम बेनिफिट. देखिए बोला ना ग्रिड कंप्यूटिंग में लार्ज डाटा होना चाहिए मैक्सिमम बेनिफिट के लिए. वाइल इन क्लाउड कंप्यूटिंग वी कैन स्टोर एन ऑब्जेक्ट एज लो एज 1 byte एंड एज लार्ज एज 5 GB इवन सेवरल टेराबाइट्स तक हम यूज़ कर सकते हैं. 5 GB हो 1 byte हो सबके लिए इकोनॉमिकल है वो. ठीक है. सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं. अ कंप्यूटेशन ग्रिड फोकस्ड ऑन कंप्यूटेशनली इंटेंसिव ऑपरेशन वाइल क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर 2 types ऑफ इंस्टेंस स्टैंडर्ड एंड हाई CPU. मतलब क्या है इसने बोला कि ग्रिड जो होता है ना ये ग्रिड केवल और केवल इंस्टेंसिव ऑपरेशंस पे या कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के लिए सही होता है, लेकिन क्लाउड जो होता है वो स्टैंडर्ड के लिए भी सही है जो यूजुअली हर जगह होता है, और हाई CPU के लिए भी सही है जिसमें हाई पावर चाहिए उसके लिए भी इकोनॉमिकल है, बेनिफिशियल है, और स्टैंडर्ड्स के लिए भी है. जबकि ग्रिड कंप्यूटिंग केवल हाई कंप्यूटिंग पावर के लिए या हाई टास्क के लिए इंटेंसिव ऑपरेशंस के लिए ही इकोनॉमिकल या बेनिफिशियल है. ओके. तो आज अपनी क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं. फर्स्ट क्लास है. अगर आपको पसंद आएगा तो पूरे लेक्चर्स आपको आगे मिल जाएंगे. चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, बेल आइकन हिट कीजिए. आज की क्लास छोटी है, नेक्स्ट की सारी क्लासेस अप्रॉक्स 2 hours की रखनी होगी, और ताकि कम लेक्चर्स में ही पूरा कोर्स कंक्लूड हो जाए. पढ़ाने का तरीका यही होगा, बुक की एक एक लाइन और बुक के कॉन्सेप्ट्स को पहले समझाने की कोशिश की जाएगी. स्टे ट्यून्ड विथ अस. बाय बाय. टेक केयर.